नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। अवैध रूप से डीजल परिवहन करते एक आरोपी चढ़ा अकलतरा पुलिस के हत्थे। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा थाना अंतर्गत दिनांक 11/5/2022 को खोड़ फाटक के पास पुलिस पेट्रोलिंग अकलतरा को आते देख बोलेरो क्रमांक CG10B3282 का चालक अपनी वाहन को तेज गति से चलाते हुए भागने लगा, जिसे पेट्रोलिंग टीम द्वारा शंका होने पर पीछा करते हुए पकड़ा गया। थाना अकलतरा में इस्तगासा क्रमांक 02/22 धारा 41(1-4) JAFO/379 भारतीय दंड विधान के तहत आरोपी विकास पाटले उम्र 24 वर्ष निवासी सोरमाल थाना अकलतरा में खिलाफ कार्रवाई किया गया। आरोपी विकास पाटले के कब्जे से 30 लीटर डीजल प्लास्टिक चाड़ी चन्नी पाइप तथा घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का बोलेरो वाहन क्रमांक CG10B3282 को जब्त किया गया। आरोपी विकास पाटले द्वारा अवैध रूप से डीजल परिवहन करते पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार करने एक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अकलतरा निरीक्षक लखेश केमठ, उप निरीक्षक GL चंद्राकर, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत कश्यप, आरक्षक शिव मधुकर, सैनिक गजेंद्र पाटले का सराहनीय योगदान रहा। छत्तीसगढ़ सांगी नवगढ़ राजभाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।